नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सभी व्यूअर सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली जो कमेंट करते हैं उनके लिए थोड़ा सा उनसे ज़्यादा वो हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे जान पहचान सी लगने लगती है, तो उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि वीडियो मैं पहले बना के रख रही हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे रीतिकालीन कवियों में श्री हठी जी की। ये श्री हितधारी वंश की शिष्य परंपरा में बड़े साहित्य मर्मज्ञ और कला कुशल कवि हो गए हैं। इन्होंने संवत 1837 में राधा सुधा शतक बनाया था। राधा सुधा शतक श्री हठी जी, ये चीज़ आपको याद रखनी है, जिसमें 11 दोहे और 103 कवित्व समयाँ हैं। अधिकांश भक्तों में की अपेक्षा इनमें विशेषता ये है कि इन्होंने कला पक्ष का भी पूरा जोड़ दिया है ना। इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का बाहुल्य पाया जाता है, पर साथ ही भाषा या वाक्य विन्यास में लड़कपन नहीं आने पाया है। वास्तव में राधा सुधा शतक छोटा होने पर भी अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है। ये पंक्ति थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस ग्रंथ के बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि छोटा होने पर भी ये अनूठा ग्रंथ है, तो ये कहा है राधा सुधा शतक के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था, इस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, आपको पता होगा ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कृष्ण और राधा को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो इसलिए राधा सुधा शतक को आप इनसे जोड़ सकते हैं, है ना। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी की, ये पंक्ति है ना भारतेंदु जी की। चलिए नीचे कुछ अवतरण दिए जा रहे हैं। कलकलता के कीन्हों पल्लव नवीन देव, हरण मंजुता के कंज ताके बनिता के, पावन पतित गुण गावे मुनि छवि मुनिता के छवि, छले सविता के जनता के गुरुता के, नवोनिधिता के सिद्धता के आदि आले हठी, तीनों लोकता में प्रभुता के प्रभुता के हैं, कटे पापता के बढ़े पुण्य के पता के, जिन ऐसे पदता के ब्रस भानु की सुताते, गिरी कीजे गोधान मयूर नव कुंजन को, पशु कीजे महाराज नंद के नगर को, नर कौन तौन जौन राधा राधा राधो राधो नाम रटे, तब कीजे बरकुल कालिंदी कगर को, इतने पे जेई कछु कीजे कुंवर कान, राखिए न आने फिर हट्टी के झगर को, गोपी पद पंकज पराग कीजिए महाराज, त्रन कीजिए रावरेई गोकुल नगर को, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि भारतेंदु जी को प्रिय थी इनकी राधा सुधा शतक, और इनके छोटा होने पे भी ये ग्रंथ अपने ढंग में अनूठा है। ये दो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रखनी है। भूमान मिश्र की बात करें, ये महोबा के रहने वाले गोपाल मणि के पुत्र थे। इनके तीन भाई थे और थे, दीप शाही, हुमान और अमान। गुमान ने पिनाही के राजा अकबर अली के आश्रय में संवत 1800 में हर्षप्रथ नैसित काव्य का पद्य अनुवाद नाना छंदों में किया। यही ग्रंथ इनका प्रसिद्ध और प्रकाशित भी हो चुका है। इनके अतिरिक्त तो खोज में इनके दो ग्रंथ और मिले हैं, कृष्ण चंद्रिका और छंदाटवी पिंगल में है, पिंगल के लिए। कृष्ण चंद्रिका इनका निर्माण काल 1838 है, अतः इनका कविता काल 1800 से 1840 तक माना जा सकता है। इन तीनों ग्रंथों के अतिरिक्त नायिका भेद, अलंकार आदि के कई और ग्रंथ भी इनके सुने जाते हैं। यहाँ केवल इनके नैषधा के संबंध में ही कुछ कहा जा सकता है, मतलब बात की महत्व के ग्रंथ नहीं। इस ग्रंथ में इन्होंने बहुत से छंदों का प्रयोग किया है और बहुत जल्दी जल्दी छंद बनने हैं। इंद्रवज्र, वंशस्थ, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित आदि कठिन वर्ण व्रतों को लेकर दोहा चौपाई तक मौजूद है। तथा आरंभ में अकबर अली की खाकी प्रशंसा मंद जो बहुत से कवि तो इन्होंने कहे हैं, उनसे इनकी चमत्कार प्रियता स्पष्ट प्रकट होती है, ठीक है। नैसदा में इन्होंने अकबर अली की प्रशंसा के पद कहे। गुमान जी अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और काव्य कुशल थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाषा पर इनका पूरा अधिकार था।
जिन श्लोकों के भाव जटिल नहीं हैं उनका अनुवाद बहुत ही सरल, सरस और सुंदर है। वह स्वतंत्र ग्रंथ रचना के रूप में प्रतीत होता है, पर जहाँ कुछ जटिलता है वहाँ वाक्यावली उलझी हुई और अर्थ अस्पष्ट है। बिना मूल श्लोक सामने आए ऐसे स्थानों पर स्पष्ट अर्थ निकालना कठिन हो जाता है। अतः सारी पुस्तक के संबंध में यही कहना चाहिए कि अनुवाद में वैसी सफलता नहीं हुई है। संस्कृत के भावों के सम्यक अवतरण में ये असफलता गुमान के ही सिर नहीं मढ़ी जा सकती। रीति काल के जिन जिन कवियों ने संस्कृत के अनुवाद करने के प्रयत्न किए उनमें बहुत से असफल हुए, है ना। ऐसा जान पड़ता है कि इस काल में जिस मधुर रूप में ब्रज भाषा का विकास हुआ वह सरल व्यंजना के तो बहुत ही अनुकूल हुआ, पर जटिल भावों और विचारों के प्रकाश में वैसा समर्थ नहीं हुआ। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि रीति काल में ब्रज भाषा का विकास हुआ वह सरल व्यंजना के तो बहुत अनुकूल था, जहाँ सरल सीधी साधी व्यंजना थी, लेकिन जहाँ जटिल भावों की बात की जाए उनके प्रकाश में उतना समर्थ नहीं हुआ। कुलपुत्र मिश्र के रस रहस्य में काव्य प्रकाश का जो अनुवाद किया है उसमें भी जगह जगह पर अस्पष्टता है। गुमान जी उत्तम श्रेणी के कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। जहाँ वे जटिल भाव भरने की उलझन में नहीं पड़े हैं वहाँ की रचना अत्यंत मनोहारिणी हुई है। ये पद्य उद्धृत किए जाते हैं। आप ज़्यादातर देखिए रीतिकालीन कवियों के विषय में शुक्ल जी ने यही कहा है कि जहाँ वो ज़्यादा किसी उलट फेर में नहीं पढ़े हैं, सीधी सादी भाषा का प्रयोग किया है, वो बहुत ही सरल सरस और मीठे उनके रचना हुई है। लेकिन जहाँ थोड़ा सा चमत्कार या कठिन जटिल भावों की व्यंजना में पड़ गए वहाँ पर उनकी जो रचना है वो समझने तक में समस्या आने लगी, ठीक है। दुर्जन की हानि बिरधा पनोई करे पीर, गुण लोप होत एक मोतिन के हार की, टूटे मानी माले निर्गुण गाय ताल सी के, पोथिन ही अंक मन कलह विचार की, शंकर वर्ण पशु पक्षिन में पायत, अलग ही पारे अस भंग निराधार की, चिर चिर राजो राज लाज राज अली अकबर सुराज के, समाजता के राज पर ही बाहर, दिग्गज दबत दब कत दिग्पाल भूरी, भूरी के धनूरी सो अंधेरी आभावान की, धाम ओधरा माल गाल अब लक अरि तजत परान, चाह चाहत परान की, सैयद समत भूप अली अकबर दल, चलत बजाए मार दुम्ब दुम्बी दुकान की, फिर फना फननी फनी से उलटत तू ऐसे, चोली खोली ढोली जो तमोली पाए पाके पान की, ठीक है। और देख लीजिएगा बहुत लंबा इन्होंने भी इनके भी उदाहरण दिए गए हैं, आप अपने ढंग से पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है। बात करते हैं सरजू राम पंडित की। इन्होंने जैमिनी पुराण भाषा नामक कथात्मक ग्रंथ संवत 1805 में बनाकर तैयार किया। इन्होंने अपना कुछ भी परिचय अपने ग्रंथ में नहीं दिया। जैमिनी पुराण दोहों चौपाइयों तथा और कई छंदों में लिखा गया है और 36 अध्यायों में समाप्त हुआ है। इसमें बहुत सी कथाएं आई हैं, जैसे युधिष्ठिर का राजसी यज्ञ, संक्षिप्त रामायण, सीता त्याग, लवकुश युद्ध, मयूर ध्वज, चंद्र हास आदि राजाओं की कथाएं। देखिए ये थोड़ा सा जैमिनी पुराण है, इसमें महाभारत से युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से लेके संक्षिप्त रामायण और इतने सारे विषय लिए गए हैं, थोड़ा सा दिमाग में बना के रखिएगा। चौपाइयों का ढंग रामचरित मानस का सा है, कविता इनकी अच्छी हुई हो उसमें गंभीर है। नमूने कुछ नीचे दिए जा रहे हैं। गुरुपद पंकज पावन रेणु, गुरुपद रज अज हरि हर धामा, तब लगी जग जड़ जीव भुलाना, श्री गुरु पंकज पांव पसाओ, सुमरत होत हृदय असमान। इसको देखने पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लग रहा है ना रामचरितमानस का, तो वही शुक्ल जी ने लिखा है कि उसी तरह से इन्होंने लिखा है। चलिए बात करते हैं भगवंत राय खींची की। ये असोथर जिला फतेहपुर के बड़े गुणग्राही राजा थे, जिनके जहाँ बराबर अच्छे अच्छे कवियों का सत्कार होता रहता था। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इन्होंने 7 कांड रामायण बड़े सुंदर कवित्वों में बनाई है।
ये रामायण तो इनकी नहीं मिलती, पर हनुमान जी की प्रशंसा के 50 कवित्ते इनके अवश्य पाए गए हैं, जो संभव है रामायण के ही अंश। खोज में इनकी हनुमत पचीसी मिली है, उसका निर्माण काल 1817 दिया है। इनकी कविता बड़ी ही उत्साहपूर्ण और ओजस्विनी है। एक कविता नीचे देखिए। विदित विशाल ढाल भाल कपिजाल की है, ओट सुरपाल की है, तेज के तुमार की, जाहि सो लपेटी के गिराए गिर गढ़ जासो, कठिन कपाट तोरे लंकन की सो मार की, भने भगवंत तासो लागी लागी भेटे प्रभु, तासे जाके त्रास लखन को छुबे तक हुमार की, ओढ़े ब्रह्म अस्त्र के अतावी महाताती बंदो, युद्ध मत माती छाती पवन कुमार की। ठीक है, अब बात करते हैं सूदन की। ये मथुरा के रहने वाले माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम बसंत था। सूदन भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के यहाँ रहते थे। उन्हीं के पराक्रमपूर्ण चरित्र का वर्णन इन्होंने सुजान चरित नामक प्रबंध ग्रंथ में काव्य में किया है। मुगल साम्राज्य के गिरे दिनों में भरतपुर की जाट राजाओं का कितना प्रभाव बढ़ा है ये इतिहास प्रसिद्ध है। उन्होंने शाही महलों और खजानों को कई बार लूटा था। पानीपत की अंतिम लड़ाई के संबंध में इतिहासज्ञों की धारणा है कि यदि पेशवा की सेना का संचालन भरतपुर के अनुभवी राजा महाराज के कथनानुसार हुआ होता और ये रूट कर ना लौट आए होते तो मराठों की कभी हार नहीं होती। इतने से ही भरतपुर वालों के आतंक और प्रभाव का अनुमान हो जाता है। अतः सूदन को एक सच्चा वीर चरित्र नायक मिल गया। सुजान चरित्र बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें संवत 1802 से लेकर 1810 तक की घटनाओं का वर्णन है। अतः इसकी समाप्ति 1810 के 10-15 वर्ष पीछे यानी बाद में मानी जा सकती है। इस हिसाब से इसका कविता काल संवत 1820 के आसपास माना जा सकता है। सूरजमल की वीरता की जो घटनाएं कवि ने वर्णित की हैं वे कपोल कल्पित नहीं है, ऐतिहासिक हैं, सच्ची हैं। जैसे अहमद शाह बादशाह के सेनापति असद खां के फतह अली पर चढ़ाई करने पर सूरजमल का फतह अली के पक्ष में होकर असद खां के ससैन्य नाश करना, मेवाड़ माड़ोगढ़ आदि जीतना, संवत 1804 में जयपुर की ओर होकर मराठों को हराना, 1805 में बादशाही सेना पति सलावत खां बख्शी को परास्त करना, संवत 1806 में शाही वजीर सफदर जंग मंसूर की सेना से मिलकर बगंस पठानों पर चढ़ाई करना, बादशाह से लड़कर दिल्ली लूटना इत्यादि। इन सब बातों के विचार से सुजान चरित का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत कुछ है। इस काव्य की रचना के संबंध में सबसे पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह वर्णनों का अत्यधिक विस्तार और प्रचुरता। इन्होंने वर्णनों का बहुत ही अधिक विस्तार और प्रचुरता कर दी थी। वस्तुओं की गिनती गिनाने की प्रणाली का भी इस कवि ने बहुत अधिक अवलंबन किया है, जिससे पाठकों को बहुत स्थलों पर अरुचि हो जाती है। कहीं घोड़े की जातियों के नाम गिनाते चले गए और कहीं शस्त्रों और वस्त्रों की सूची की भरमार है। कहीं भिन्न भिन्न देशवासियों जातियों की फहरिस्त चल रही है। इस कवि को साहित्यिक मर्यादा का ध्यान बहुत ही कम था। भिन्न भिन्न भाषाओं बोलियों को लेकर कहीं कहीं पूरा खिलवाड़ किया है। ऐसे चरित्र को लेकर जो गंभीर काव्य होना चाहिए था वो इनमें नहीं पाया जाता। पद्य में व्यक्तियों और वस्तुओं के नाम भरने की निपुणता इस कवि की एक विशेषता समझनी चाहिए। ग्रंथारंभ में 125 कवियों के नाम गिनाए गए हैं। विशेष बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपने सुजान चरित में आरंभ में ही 175 कवियों के नाम गिना दिए हैं। सूजन में युद्ध उत्साहपूर्ण भाषण चित्त की उमंग आदि का वर्णन करने की पूरी प्रतिभा थी, पर उक्त त्रुटियों के कारण उनके ग्रंथ का साहित्यिक महत्व बहुत कुछ घटा हुआ है। प्रागल्भता और प्रचुरता के प्रदर्शन की सीमा का अतिक्रमण कर जाने के कारण जगह जगह खटकता है। भाषा के साथ भी सूदन जी ने पूरी मनमानी की है। पंजाबी खड़ी बोली सबका पुट मिलता है और ना जाने कितने गणंत और तोड़े मोड़े मरोड़े शब्द लाए गए। जो स्थल इन सब दोषों से मुक्त हैं वो अवश्य ही मनोहर हैं। अब जब दोष मुक्त होंगे तो मनोहर ही होंगे, पर अधिकतर शब्दों को तड़ा तड़ भड़ा भड़ से जी उगने लगता है। ये वीर रसात्मक ग्रंथ है और इसमें भिन्न भिन्न युद्धों का ही वर्णन है।
इससे अध्यायों का नाम जंग रखा गया है, ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सुजान चरित्र तो वीर रसात्मक काव्य है, तो इसमें अलग अलग तरह के युद्धों का भी वर्णन है, तो जो अध्यायों का नाम रखा गया है वो जंग करके रखा गया है, और 7 जंगों में ग्रंथ समाप्त हुआ है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। छंद बहुत से प्रयुक्त हुए हैं, कुछ पद्य नीचे दिए जा रहे हैं। बखत बलिंद तेरी दुंदुबि कारण सुदुंदुबि जात देश देश सुख जाही के दिन दिन दिनों मही मंडल प्रताप होत सुदन दूनी में ऐसे बखत न काही के उद्दत सुजान सुत बुद्धि बलवान सुनी दिल्ली दरनी बाजे आवज उछाई के जाही के भरोसे अब लुकत उमाई करे पाही ते खरे हैं सो सिपाही पात साही के दूहू और बंदूक जहाँ चलत बेच बेचूक रब हो त धूक धूक किल कार कहू कूक कहू धनुष टंकार जेही बान झनकार भट देत हुंकार संकार मुंह सूक कोहू देख दप तंड गज बाजी झप टंत अरे व्यूह लप टंत रप टंत कहू चूक। अब आगे आप देख लीजिएगा कहाँ तक पढ़ने इनको पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है इनका। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा है, धड़ धरंत धड़ धड़ंत भड़ भड़ंत भड़ भड़म तड़ तड़ातंत तरंत तड़ तड़ तारम खड़ खंकारम इस तरह से घड़ गंगारम करके दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा इनको। ये देखिए अर्रम सर्रम सोने त अगर डारी लुत्थ जुत्थ पामड़े दे दारु भूमि धूप दीप रंजक की ज्वाली का काफी लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे हर नारायण की। इन्होंने माधव काम कंदला और बेताल पच्चीसी नामक 2 कथात्मक काव्य लिखे थे हर नारायण ने, ठीक है। माधव नारायण काम कंदला का रचना काल संवत 1812 है। इसकी कविता अनुप्रास आदि से अलंकृत है, एक कवित्व दिया जा रहा है। सोहे मुंड चंद सो त्रिपुंड सो विराजे भालो, ठीक है, सोहे मुंड चंद सो त्रिपुंड सो विराजे भालो तुंड राजे रदन उदंड के मिलन के पाप रूप पापिन विघन जल जीवन के कुंड सो की सुजन बचावे अखेलन के ऐसे गिर नंदनी के नंदन को ध्यान में ही कीबे छोड़ सकल अपान नहीं दिलन के भुगुति मुकुतिता के तुंड के निकसिता पे कुंड बांधी काढ़ती भुसुंड के बेलन के। चलिए अब बात करते हैं ब्रजवासी दास की। ब्रजवासी दास ये वृंदावन के रहने वाले और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, ये ध्यान रखिएगा। ब्रजवासी दास वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने संवत 1827 में ब्रजविलास नामक एक प्रबंध काव्य तुलसी के अनुकरण पर 2 छपाइयों में बनाया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रबोध चंद्रदेव नाटक का अनुवाद भी विविधा छंदों में किया है, पर इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रजविलास ही है जिसका प्रचार साधारण श्रेणी के पाठकों में है। इस ग्रंथ की कथा भी सूर सागर के क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूर के शब्द और भाव भी चौपाइयों में रख दिए गए। इस बात को ग्रंथकार ने स्वीकार भी किया है। यामुक अछुक बुद्धि नाही मेरी उक्ति सुक्ति सब सूर ही के, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिएगा। यामे कछुक बुद्धि नहीं मेरी उक्ति सुक्ति सब सूर ही के सूर ही। इन्होंने तुलसी का छंद क्रम लिया है, भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है, तुलसी का छंद क्रम लिया है, भाव लिए हैं सूर के, ध्यान रखिएगा। उसमें कहीं कहीं अवधि और बैसरवाड़ी का नाम तक नहीं है। जिनको भाषा की पहचान तक नहीं वो वीर रस वर्णन की परपाटी के अनुसार किसी पद्य के वर्णनों का दायित्व देख उसे प्राकृत भाषा कहते हैं, वे जो चाहें कहें। ब्रज विलास में कृष्ण की भिन्न भिन्न लीलाओं का जन्म से लेकर मथुरा गमन तक का वर्णन किया गया है। भाषा सीधी साधी सुव्यवस्थित और चलती हुई है। व्यर्थ शब्दों की भर्ती ना होने से उसमें सफाई है। ये सब होने पर भी इसमें वह भात नहीं है जिसके बल पर गोस्वामी जी के रामचरितमानस का इतना देशव्यापी प्रचार हो। जीवन की परिस्थितियों की वह अनेक रूपता गंभीरता और मर्म स्पर्शिता इसमें कहाँ जो रामचरित और तुलसी की वाणी है। इसमें तो अधिकतर क्रीड़ा में जीवन का ही चित्रण है, फिर भी साधारण श्रेणी के कृष्ण भक्त पाठकों में इसका प्रचार है। कुछ पद्य नीचे दिए जा रहे हैं। कहत यशोदा कौन बिन समझाऊं अब कान फूल दिखायूं चंद में ताही कहत हरि खान यह देत नित माखन मोको छिन छिन देती तात सो तो को तुम
जो तुम श्याम चंद हो कह हूँ बहुरो फिर माखन कह पहे हो। देखत रहो खिलौना चंदा हट न कीजे बाल को बिंदा पाला गो हट अधिक न कीजे मैं बल रीसें तन छीजे। जस्मत कात कहाँ धो कीजे मांगत चंदा कहाँ ते दीजे अब जस्मत एक जल पुट लीनो कर में लेते ही ऊंचो कीनो। ऐसे कहीं श्याम बहरावो अब चंदा तो ही लाल बुलावो। हाथ लिए तहीं खेलत रहिए नेक न धरती पे दह रहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं गोकुलनाथ गोपीनाथ और मणिदेव। इन तीनों महानुभावों ने मिलकर हिंदी साहित्य में बड़ा भारी काम किया है। इन्होंने समग्र महाभारत और हरिवंश जो महाभारत का ही प्रसिद्ध माना जाता है का अनुवाद अत्यंत मनोहर विविधा छंदों के में पूर्ण कवित्व के साथ किया। कथा प्रबंध का इतना बड़ा काव्य हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं बना। ये लगभग 2000 पृष्ठों में समाप्त हुआ है। 2000 पृष्ठों में गोकुलनाथ गोपीचंद और मणिदेव ने ही बनाया है। इतना बड़ा ग्रंथ होने पर भी ये ना तो इसमें कहीं शिथिलता आई और ना ही रोचकता और काव्य गुण में कमी हुई है। छंदों के विधान इन्होंने ठीक उसी रीति का किया है जिस रीति पे इतने बड़े ग्रंथ में होना चाहिए। जो छंद ठहराया उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया। केशव की तरह छंदों का तमाशा नहीं दिखाया है। छंदों का चुनाव ही बहुत उत्तम हुआ है। रूपमाला घनाक्षरी समया आदि मधुर छंद भी छंद अधिक रखे गए हैं। बीच बीच में दोहों और चौपाइयाँ भी हैं। भाषा प्रांजल और सुव्यवस्थित है। अनुप्रास का अधिक आग्रह ना होने पर भी आवश्यक विधान है, मतलब जहाँ जरूरत है वहाँ रखे गए हैं। रचना सब प्रकार से साहित्यिक और मनोहर है और लेखकों की काव्य कुशलता का परिचय देती है। इस ग्रंथ के बनाने वाले भी 50 वर्ष से ऊपर लगे हैं अनुमानता। इसका आरंभ 1823 में हो चुका था और संवत 1884 में जाकर समाप्त हुआ है ना। लगभग 30 वर्षों तक 50 वर्षों से ऊपर इसमें लगा है, देख लीजिए। इसकी रचना काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह की आज्ञा से हुआ था और जिन्होंने इसके लिए लाखों रुपए व्यय किए। इतने भारी साहित्यिक यज्ञ का अनुष्ठान के लिए हिंदी प्रेमी उक्त महाराज के सदा कृतज्ञ रहेंगे। गोकुलनाथ और गोपीनाथ प्रसिद्ध कवि रघुनाथ बंदी जन के पुत्र और पौत्र थे, यानी पिता पुत्र थे। मणिदेव बंदी जन भरतपुर राज्य के जहानपुर नामक गांव के रहने वाले थे और अपनी विमाता के दुर्व्यवहार से रुष्ट होकर काशी चले आए थे। काशी में वो गोकुलनाथ के यहाँ ही रहते थे और स्थानों पर भी उनका बहुत मान हुआ था। जीवन के अंतिम दिनों में कभी कभी वे विक्षिप्त हो जाया करते थे। उनका परलोकवास 1920 में हुआ। गोकुलनाथ ने इस महाभारत के अतिरिक्त निम्न ग्रंथ और भी लिखे हैं। कौन कौन से लिखे हैं गोकुलनाथ ने? चेत चंद्रिका, गोविंद, सुखद विहार, राधा कृष्ण विलास, राधा नक्सिक, नामृतमाला, सीताराम गुणान्नव, अमरकोश, भाषा, कविमुख मंडल। चेत चंद्रिका अलंकार ग्रंथ है जिसमें काशीनाथ की वंशावली भी दी गई है। राधा कृष्ण विलास रस संबंधी ग्रंथ है और जगत विनोद के बराबर है। सीताराम गुणान्नव अध्यात्म रामायण का अनुवाद है जिसमें पूरी रामकथा वर्णन है। कवि मुखमंडन भी अलंकार संबंधी ग्रंथ है। गोकुलनाथ का कविता काल 1840 से 1870 तक माना जा सकता है। ग्रंथों की सूची से ही स्पष्ट होता है कि ये कितने निपुण कवि थे। रीति और प्रबंध दोनों ओर इन्होंने प्रचुर रचना की है। इतने अधिक परिमाण में और इतने प्रकार की रचना वही कर सकता है जो पूर्ण साहित्य मर्मज्ञ, काव्य कला में सिद्धांत और भाषा पर पूर्ण अधिकार रखने वाला हो। अतः महाभारत के तीनों अनुवादकों में से तो ये श्रेष्ठ ही है। साहित्य के क्षेत्र में भी ये बहुत ऊंचे पद के अधिकारी हैं। रीति ग्रंथ रचना, प्रबंध रचना दोनों समान रूप से कुशल और दूसरा कभी रीतिकार के भीतर नहीं पाया जाता। और जिस प्रकार का कभी दूसरा नहीं पाया जाता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। महाभारत के जिस अंश का अनुवाद जिसने किया है उस अंश का नाम उसका नाम दिया हुआ है। तीनों कवियों की रचना के उदाहरण दिए, तीनों के हैं, मैं थोड़े थोड़े पढ़ूंगी। गोकुलनाथ जी का देख लीजिए, सखिन के श्रुति की उकति कल कोकिल की, गुरुजन हुपे पुनि लाज की कथान की, गोकुल अरन चरना गुंज पे गुंज पुंज, धुनी सी चढ़ती चंचरी के चरचार की, प्रीतम के श्रवण समीप ही जुगति होती,
मैत्र मंत्र तंत्र सुबरन गुण गान की, सौ तिन के काकन में हल्ला हल हवे हलती, ऐसी दुख सुख दानी तो ब्रजन बिच वानी की। राधा कृष्ण विलास। दुर्ग अति ही महत रक्षित, भटन सो चहुं और, ताई घेरियो सल्व भूपत सेन ले अति घोर, एक मानुष निकसिबे की रही कतुना रा, परी सेना साल्व नरप की भारी युद्ध उछा। आगे देख लीजिएगा, गोपीनाथ जी का देख लेते हैं थोड़ा सा। सर्व दिश में फिरत भीष्म को सुरत मन मान, लखे सब को हूँ तहाँ धूप भूप आलात चक्र समान, सर्व थर सब रथिन सोते ही सम समय नृप सब ओर, एक भीषम सहस सम रन जुरो तो कहीं ओर। मणिदेव का देख लीजिएगा, वचन ये सुनिकात भो चक्रांग हंस उदार, उड़ेंगे मम संग किम तुम कहाँ को सो उपचार, खाए झूठो पुष्ट गर्वित काग सुनिए बैन, कहो जानत उड़त उड़न की सती रीति हम बन लें। बोधा, ये राजापुर के रहने वाले सरयू पारी ब्राह्मण थे। पन्ना के दरबार में इनके संबंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी, उसी संबंध में ये बाल्यकाल में ही पन्ना चले गए। इनका नाम बुद्धसेन था, पूछा जाता है ध्यान रखिएगा, पर महाराज इन्हें प्यार से बोधा कहने लगे और वही इनका नाम प्रसिद्ध हो गया। भाषा काव्य के अतिरिक्त उन्होंने इन्हें संस्कृत और फारसी का भी अच्छा बोध था। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1804 दिया हुआ है। इनका कविता काल 1830 से 1860 तक माना जा सकता है। बोधा एक बड़े रसिक जीव थे। कहते हैं कि पन्ना नरेश के दरबार में सुभान यानी सुभान नाम की वैश्या थी, जिस पर इनका प्रेम हो गया। इस पर रुष्ट होकर महाराज ने इन्हें 6 महीने देश निकाले का दंड दिया। सुभान के वियोग में ये 6 महीने इन्होंने बड़े कष्ट से बिताए और बीच में विरह वरीस नामक एक पुस्तक लिखकर तैयार हो। 6 महीने के पीछे यानी बाद में जब ये फिर दरबार लौट कर आए, तब इन्होंने अपने विरह वरीस की कुछ कवित्व सुनाए। महाराज ने प्रसन्न होकर उनसे कुछ मांगने को कहा। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह। महाराज ने प्रसन्न होकर सुभान इन्हें दे दी और उनकी मुराद पूरी हो गई। समझे, विरावरीज के अतिरिक्त इश्कनामा भी इनके एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्होंने बहुत से फुटकल कवित्व सबये इधर उधर पाए जाते हैं इनके। ठीक है, बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे, इससे इन्होंने कोई रीति ग्रंथ न लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकल पद्यों की रचना की है। ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कवि थे। प्रेम मार्ग के निरूपण में इन्होंने बहुत से पद्य किए हैं, कहे हैं प्रेम के पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़े मर्म स्पर्शनीय युक्ति से की है। यत्र तत्र व्याकरण दोष होने पर भी इनकी भाषा चलती और मुहावरेदार होती थी, उसमें प्रेम की उमंग छलकी पड़ती थी। इनके स्वभाव में फक्कड़पन भी कम नहीं था। नेजे कटारी और कुर्बान वाली बजारू ढंग की रचनाएं भी इन्होंने कहीं कहीं की हैं। जो कुछ हो, ये भावुक और रसज्ञ कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ पद्य इनके नीचे दिए जा रहे हैं, बोधा जी के पद्य पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं ये। अति खीन मृलाल को तारहु ते तेहीं ओर तेहीं ऊपर पाप दे आव नो है, सुई बेह की द्वार सके न तहाँ पर तीति ते ताड़ो लदाव नो है, कभी बोधा अनी घनी ने जहु ते चढ़ी तापे न चित्त डराव नो है, ये प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धाव नो है। एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहां लगी रूप जहां को, के सतकृत की पदवी लुटाए लख के मुस्काहटता को, शोक जरा गुजरा न जहां कभी बोधा जहां उजरा न तहां को, जान मिले तो जहान मिले नहीं जान मिले तो जहान कहां को, कबहू मिलबो वह धीरज ही में धराए बो करें, उड़ते गड़ी आवे गरे ते फिरे मन की मन में ही सिरे बो करें, कभी बोधा की चाण सी सरी कहिबो नितही हरवासो हरिबो करें, सहते न बने कहते न बने मन ही मन पीर पे रही बो करें। इनकी पंक्तियां पूछ ली जाती हैं। हिल मिल जाने तासो मिलके जनावे देहत, हित को न आवे जाने ताको हेतु न बिसाहिए,
होए मगरूर तापे दूनी मगरूरी कीजे लघु हवे चले तासु लघुता निभाइए। कब कब बोधा कवि नीति को निबोरो यही बात ही अहे आपको सराहे ताहे आपहु सराहिए। दाता कहे सूर कहा सुंदर सुजान कहा आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं रामचंद्र। इन्होंने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया है। भाषा महिष्म के कर्ता काशीवासी मनियार सिंह ने अपने को चाकर अखंडित श्री रामचंद्र पंडित लिखा है। मनियार सिंह ने अपना भाषा महिष्म संवत 1841 में लिखा था, अतः इसका समय संवत 1840 तक माना जा सकता है। इनकी एक पुस्तक चरण चंद्रिका ज्ञात है, पर इस पर इनका सारा यश स्थिर है। इस रस भक्ति रसात्मक ग्रंथ केवल 62 कवित्वों का है। इसमें पार्वती जी के चरणों का वर्णन अत्यंत रुचिकर और अनूठे ढंग से किया गया है। इसके वर्णन से अलौकिक सुषमा विभूति शांति शक्ति और शांति फूटी पड़ती है। उपास्य के एक अंग में अनंत ऐश्वर्य की भावना भक्ति की चरम भावुकता के भीतर ही संभव है। भाषा लाक्षणिक और पांडित्यपूर्ण है। कुछ और अधिक ना कहकर इनके दो कवित्व ही सामने रख देना ठीक है, मतलब आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। नुपर बजत मानी मृग के अधीन होत मीन होत जाकी चरणामृत झरनी को खंजन के नचे देख सुषमा शरद की सी सच मधु करके पराग के शरणी को रीज रीज तात तेरी पद छवि के तिलोचन के लोचन ये अम्ब धारे केतिक धरनी को कुलद कुतुंब से मयंक के से निरख नक पंकज के खिले लख तरवा तरनी को मानिए करिंद्र जो हरिंद्र सो सरोस हरे मानिए तिमिर घेरे भानु तिर रन को मानिए चटक बाज जुर्रा के पटक मारी मानिए झटक डरे भेक भुज गन को मानिए कहे जो वारी धारे पे दवारी ओ अंगार बर सैबो बतावे बरी दान को मानिए अनेक विपरीत की प्रतीत पैना अति भीति आई मानी भवानी सेव कर। चलिए मन इनको एक बार जल्दी से और पढ़ देते हैं। मनचित ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1836 में वर्तमान के मतलब उस समय मौजूद थे। इन्होंने कृष्ण चरित्र संबंधी दो पुस्तकें लिखी हैं, सुरभिदान लीला और कृष्णायन मनचित ने, ठीक है। सुरभिदान लीला में बाल लीला यमला अर्जुन पतन और दान कृष्ण लीला का विस्तृत दान लीला का विस्तृत वर्णन सार छंद में किया गया है। इसमें कृष्ण का नखशिख भी बहुत अच्छा कहा गया है। कृष्णायन में तुलसीदास जी की रामायण के अनुकरण पर दोनों चौपाइयों में लिखी गई है। इन्होंने गोस्वामी जी की पदावली तक का अनुकरण किया है। स्थान स्थान पर भाषा अनुप्रासयुक्त और संस्कृत गर्भित है। इससे ब्रजवासी दास की चौपाइयों की अपेक्षा इनकी चौपाइयाँ गोस्वामी जी की चौपाइयों के कुछ अधिक मेल खाती हैं। अभी आपने उनकी देखी थी ब्रजवासी दास की, इनकी थोड़ा और ज़्यादा अधिक तुलसीदास जी से मेल खाती हैं, पर यह मेल केवल कहीं कहीं दिखाई पड़ता है। भाषा मर्मज्ञता दोनों के भेद बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है। इनकी ब्रजभाषा है अवधि नहीं है, उसमें सफाई और व्यवस्था कहाँ, ठीक है। कृष्णायन की अपेक्षा इनकी सुरभिदान लीला की रचना अधिक सरस है। दोनों के कुछ अवतरण नीचे दिए गए हैं जा रहे हैं। कुंडल लोल अमोल कान के छुवद कवोलन आवे डुली आपस में डुले आपस में खुले जोर छवि बरसन मैंने ही चुरावे खौर विशाल भाल पर शोभित केसर की चित भावे ताके बिंदु ताके बीच बिंदु रोरी के ऐसे बेस बनावे। दो तीन इसके भी देख लीजिए। अचरज अमित भयो लखी सरिता कृष्ण देव कहाँ प्रिय जमुनासी अति विस्तार पार पद पामन बंचर बनत विपुल स्पंग पक्षी नाना निजिन जीव सर सेवे। मधुसूदन दास ये माधो चौबे थे। इन्होंने गोविंद दास नामक किसी व्यक्ति के अनुरोध पर संवत 1839 में रामाश्वमेघ नामक एक बड़ा मनोहर प्रबंध काव्य बनाया था, जो सब प्रकार से गोस्वामी जी के रामचरित मानस के परिशिष्ट ग्रंथ होने का के योग्य है। मतलब इतना बढ़िया लिखा था मधुसूदन दास जी ने। इसमें श्री रामचंद्र द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान घोड़े के साथ की गई हुई सेना के साथ सुबाहु दमन विद्यानमली राक्षस वीरपाणि वीरमणि शिव सुरत आदि को घोर युद्ध अंत में राम के पुत्र लव कुश और कुश के साथ भयंकर संग्राम
श्री रामचंद्र द्वारा युद्ध का निवारण और पुत्रों सहित सीता का अयोध्या आगमन, इन सब प्रसंगों का पद्य पुराण के आधार पर बहुत ही विस्तृत और रोचक वर्णन है। ग्रंथ की रचना बिल्कुल रामचरितमानस की शैली पर हुई है। प्रधानता दोहों के साथ चौपाइयां की गई हैं, पर बीच बीच में गीतिका आदि छंद और भी। पद विन्यास और भाषा सौष्ठव रामचरितमानस का सा है। प्रत्यय और रूप भी बहुत कुछ अवधि के रखे गए हैं। गोस्वामी जी की प्रणाली के उस अनुसरण में मधुसूदन दास जी को पूरी सफलता प्राप्त हुई है। याद रखिएगा, तुलसीदास जी के अनुसरण में सबसे पूरी सफलता किसको प्राप्त हुई है? इनको, मधुसूदन दास जी को। इनकी प्रबंध कुशलता, कविता शक्ति और भाषा की शिष्टता तीनों उच्च कोटि की। इनकी चौपाइयाँ अलबत्ता गोस्वामी जी की चौपाइयों में बेखटक मिलाई जा सकती हैं। सूक्ष्म दृष्टि वाले भाषा मर्मज्ञों को केवल थोड़े से ही ऐसे स्थल में भेद लक्षित हो सकते हैं जहाँ बोलचाल की बहुत भाषा होने के कारण भाषा का असली रूप अधिक स्फुटित होता है। ऐसे स्थलों पर गोस्वामी जी के अवधि के रूप और प्रत्यय न देखकर भेद का अनुभव हो सकता है, पर जैसा कहा जा चुका है, पद विन्यास और प्रौढ़ता और भाषा सौष्ठव गोस्वामी जी के मेल का है। आप देख के खुद समझेंगे। सी रघुपति पद कंज पुनीता मृदु मंजुल सुंदर सब भांति, प्रणत कल्प तरुस्तर सब ओरा, त्रिविधा कलुष कुंजर घन घोरा, चिंतामणि पारस सुरभोनु, जन मन मानस रस स्मराला, निरख काल चित को भी उजाला, महावेग युद्ध आवै सोरी। ठीक है, देख लीजिएगा इसका। मनिहार सिंह ये काशी के रहने वाले क्षत्रिय थे। इन्होंने देव पक्ष में ही एक कविता की है और अच्छी है। इनके निम्नलिखित ग्रंथों का पता चला है, भाषामय सौंदर्य लहरी जिसमें पार्वती या देवी की स्तुति है, हनुमत छब्बीसी, सुंदर कांड। भाषामय में इन्होंने 1841 में लिखा। इसकी भाषा सानुप्रास शिष्ट और परमार्जित है, उसमें ओज भी पूरा है। ये अच्छे कवि ही हो गए हैं। कुछ रचना के कुछ उदाहरण दिए हैं। मेरो चित्त कहाँ दीनता में अति दूब रोहे, अधरम धूम्र नसुधि के भमारे पे, कहाँ ते ऋषि रिद्धि की बुद्धि धारा ध्यान ते, त्रिगुण ते परे हवे दर सात निधारे पे, मनियारे याते मति थकत जगत के, भक्ति बस धारी उर धीरज बिचारे के, बिरचि कृपाल वाक्य माला पे, पुदंत पूजन करन काज करन तिहारे पे। इनकी और पंक्तियां हैं, आप लोग देख लीजिएगा। सारी पंक्तियां जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको मैं पढ़ नहीं रही हूँ। ठीक है, अब कृष्णदास जी जो मिर्जापुर के रहने वाले हैं, इनकी बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। इन वीडियो को आप लोग एक बार ध्यान से सुन जरूर लीजिएगा। बीच में एक आध पंक्तियाँ जो महत्व की बताती हूँ, या तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिए। इसे बहुत कुछ पूछा जाना नहीं है, पर सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। सुन तो कम से कम पूरी लीजिए, पढ़ हम पूरी किताब लेते हैं लेकिन उसके इम्पोर्टेंट चीज़ों को मन में रखते हैं, स्मरण करते हैं। ठीक है, इसी तरह से सुनना इनको भी आवश्यक है। आपका साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अपने अगले वीडियो।